जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस का फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर मिठाइयां तकसीम की गई। पाकिस्तानी तारीख का सुनहरी दिन है, वकला रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था इसलिए कलदम करार दे दिया। जुडिशरी का बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया, एक मरतबा फिर अदलिया की आजादी और आइन की सरबुलंदी हुई है। अदालत ने हमारे तमाम निकात कबूल किए, फैसले से साबित हुआ पाकिस्तान भर की अदलिया एक साथ खड़ी है। अदालत उज़्मा ने कह दिया है हमारे पिटीशन के साथ, बहुत सी और पिटीशंस थी जो आपने देखी बार एसोसिएशन के, इस केस में बहुत लार्जर इश्यूज हैं। आपने देखा एआरयू का इशू था, कोवर्ट सर्वेलेंस का इशू था, मेलाफिडेस का इशू था। तो जब तक डिटेल्ड रीजंस नहीं आ जाते, एज काउंसिल मेरे लिए कमेंट करना नामुनासिब होगा। फिर अदलिया की आज़ादी की फतह है, एक दफ़ा फिर ये आइन की सरबुलंदी की फतह है, कानून की हुक्मरानी की फतह है और वुकला के इत्तेहाद की फतह है। एआरयू जो भी बनाई गई है इसका पीछे कोई जवाब नहीं है, कानूनी तौर पर इसकी कोई बुनियाद नहीं है, लिहाजा इसको हम कानूनी अदारा नहीं मान सकते।